रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में सलाह में एक तकरीब मुनद की गई, जिसका एहतमाम PTI बरतानिया के मरकजी रहनुमा रूमी मलिक ने किया। इस मौके पर बरतानिया में पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिम खान, रूमी मलिक और इमरान दुरानी समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इजहार ख्याल किया। मुकर्ररीन ने आसिम खान की क्यादत पर इजहार एतमाद का ऐलान करते हुए कहा कि बरतानिया में PTI को मजबूत बनाने के लिए आसिम खान ने बेलौस खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस मौके पर आसिम खान का कहना था कि पाकिस्तान में करप्ट और बददयानत माफिया सरगर्म है, जिनको रोकने के लिए इमरान खान की क्यादत में पार्टी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। तमाम कारकुन सरगर्मी से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लें ताकि जमहूरी अंदाज से पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। तकरीब के मेजबान रूमी मलिक का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में इस्तेकाम के लिए इमरान खान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की मजबूती, दफा, हर चीज का दारोमदार इस वक्त इमरान खान है। प्लीज आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ओवर खासकर पाकिस्तानी PTI वालों से, जिस तरह आपने शौकत खान से मदद की थी इमरान खान की, उसी तरह नया पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान की मदद करें। तकरीब के शुरुआत दस्का में पंजाब पुलिस के हाथों मुकाला के कत्ल और मॉडल टाउन इंक्वायरी की रिपोर्ट पर सख्त गमजदा थे। इनका कहना था कि जमहूरी दौर के गैर जमहूरी हुक्मरान इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पंजाब में दस्का के अंदर जो पुलिस गर्दी हुई है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम पंजाब पुलिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि जो उसने पंजाब को एक पुलिस स्टेट बना दिया है। आज की तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि PTI ने पाकिस्तान के सियासी मैदान में ऐसा कल्चर मुतारफ करा दिया है जहां पिसी हुई अवाम को अपने हकूक के असूल के लिए लड़ना आ गया है। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, सलाऊ।